नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। इस समय बुंदेलखंड में जबरदस्त बारिश हो रही है। यह बारिश जितनी खेती के लिए लाभदायक है उतनी जिंदगी के लिए हानिकारक भी साबित हो रही है। बेतवा नदी में 9 लोगों के फंसने के बाद उन्हें बाय मुश्किल रेस्क्यू करके निकाला गया है। दरअसल निवाड़ी जिले के कंधारी गांव में रहने वाले 9 लोग ओरछा में रामराजा सरकार के दर्शन के लिए गए थे। यह लोग नदी मार्ग से वापस आ रहे थे, इसी दौरान बेतवा नदी उफान पर आ गई और यह लोग फंस गए। इन लोगों के फंसे होने की जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस और एमपीटी की टीम मौके पर पहुंची और इन लोगों को किसी तरह रेस्क्यू करके बाहर निकाला। गांव में रहने वाले राम कुमार, हल्के माता दीन, मुकंदी, लाला राम समेत 9 लोगों को पुलिस ने रेस्क्यू करके निकाला। यह लोग जिस प्रकार से फंस गए थे इनकी जान आफत में आ गई थी। फिलहाल इन सभी को निकाल लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने हमें जानकारी दी और बताया कि किस प्रकार से इन लोगों को नदी से रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। फिलहाल बारिश के समय लोगों को बहुत सुरक्षित रहने की जरूरत है। समय लगा और कैसे इनको निकाला आप लोगों ने? मेरे फ़ोन पर डायरेक्ट इन्हीं में से किसी का फ़ोन आया था कंधारी का जी, और हम लोग यहाँ फंस गए हैं क्या बलखंडी मंदिर के पास। फिर उसके बाद मैंने राफ्टिंग टीम के मरुत्र साहब से संपर्क किया, कराया, करीब 3 से 4 घंटे लगे। राफ्टिंग टीम के झगड़ू भाई ने काफ़ी मेहनत करी। कुल सर कितने लोग थे और कहाँ के रहने वाले हैं? 9 आदमी थे, कंधारी के रहने वाले। तो निवाड़ी जिले में आता है? निवाड़ी। तो अभी तो सब सकुशल निकल आए हैं? सब सकुशल। रामराजा मंदिर आए थे दर्शन करने? कैसे निकाला? 9 लोग फंसे थे। लगभग 2:45 बजे कलेक्टर महोदय से बात हुई थी, उनके द्वारा TI विनायक शुक्ला जी को बोला गया तो विनायक शुक्ला जी से चर्चा हुई, तहसीलदार साहब से चर्चा हुई, उसके बाद आए हैं। करीब 3 घंटे लगे रेस्क्यू करने में। 9 लोग फंसे हुए थे, सबको सुरक्षित बाहर निकाला है। ये कहाँ के रहने वाले सर? ये कंधारी गाँव के थे, रामराजा मंदिर का दर्शन करने आए थे। इनको आइडिया नहीं था, इन्होंने सोचा कि इधर पीछे से जाके जल्दी गांव पहुंच जाएंगे, लेकिन आज ही जामनी नदी का पानी खुल गया, बांध का जो आया है पानी, तो उसके कारण ये फंस गए थे। काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है। राफ्टिंग की जो टीम थी हमारी, ऑलरेडी कलेक्टर साहब से बात होती रहती है, तो उनके द्वारा बताया गया था कि अभी कभी भी पानी छूटा जा सकता है, तो तैयारी पूरी थी। थोड़ा समय जरूर लगा 3 घंटे, क्योंकि राफ्ट को कहाँ से डालना है, क्या करना है, समझ नहीं आ रहा था। काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन सबको सुरक्षित बाहर निकाला है। रामराजा सरकार के दर्शन करने के लिए इतनी जल्दी थी आपको, नदी पार कर गए? खाली 300 कर गए। अच्छा, तो मतलब यही मकसद था केवल? हाँ, खाली 300 से कर गए, 2 धार निकल गए, 2 धार आगे रह गई। अच्छा, रोड से आते तो बहुत मतलब देर लगती है आने में? यहाँ से 4 किलोमीटर, सब 6 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। अच्छा, तो मेन मकसद यही था कि जल्दी दर्शन मिल जाए, जल्दी दर्शन मिल जाओ, जल्दी दर्शन करके घर चले जाओ। क्यों नदी पार करके गए? और आप भैया, हम जब यहाँ से गए, जब थोड़ी थोड़ी नदी थी तो हम निकल गए। तो ऐसी क्या, आप रोड से क्यों नहीं गए, ऐसी क्या जल्दी थी? ऐसे जल्दी हमको नजदीक पड़ता है यहाँ से, सब काय के लिए? दर्शन करने के लिए, रामराजा के। हाँ। तो इतने उतावले थे आप? हाँ, इतने हम हर मास को उत्साह रहते हूँ। अच्छा, तो आपको पता चला होगा कि मंदिर खुल गया। हाँ, तो काय नदी पार कर गए, हमने कहीं दर्शन जल्दी मिल जाए। फिर क्या हुआ काय? बस दर्शन करे और दर्शन करके प्रसाद लगवा के और बस फिर वापस जा रहे थे। जब भी नदी नहीं थी, फिर थोड़ी दूर निकले, एक नदी पार की, 2 नदी पार की और तीसरी नदी में वो पानी पानी आ गया। फिर अच्छा, बहुत तेज आ गया, उस पार निकल नहीं पाए।